बिहार चुनाव में महागठबंधन की जीत हो चुकी है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनसीपी के नेता और सांसद तारिक अनवर जी। सर, कहीं ना कहीं बीजेपी वर्सेस अदर्स था, महागठबंधन की भारी बहुमत से जीत हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, ये सीधे सीधे बीजेपी की हार है और नरेंद्र मोदी जी की हार है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने विकास के मुद्दे को छोड़कर बाकी सब मुद्दे लाने की कोशिश की, पूरे चुनाव को एक तरह से कॉमनलाइज करने की कोशिश की और उसी के नाम पर उसको ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया, लेकिन वो उस पर कामयाब नहीं हुए। बिहार की जनता ने, मैं समझता, सूझबूझ का सबूत दिया और भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को एक इससे सीख लेनी चाहिए और कॉमनल पॉलिटिक्स छोड़ना चाहिए। ये देश गांधी का देश है, कभी नहीं भूलना चाहिए, और सर्वधर्म संभाव को जब तक वो नहीं अपनाएंगे तब तक के आने वाले भविष्य में भी, 2019 में भी हो, अगर यही इनकी हालत रहेगी तो यही रिजल्ट आने वाले हैं। कहीं ना कहीं बयानों को देखें अगर हम, तो सर जिस तरीके से मोहन भागवत जी ने आरक्षण को लेकर बयान दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं जो अवार्ड्स को वापस किया गया, तो ये सारी नहीं, सभी चीजों का असर पड़ा। मोहन भागवत जी ने तो ऐसा लगता है कि जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को वो हराना चाहते थे, कि ठीक चुनाव के दौरान आरक्षण के खिलाफ बयान देना, ये तो सीधे सीधे एक तरह से बहुत बड़ा मुद्दा विपक्ष को उन्होंने दिया और जिसको विपक्ष ने पूरी तरह से भंजाया भी, और यो कहा जाए कि अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारा है, तो ये भी गलत नहीं होगा। कहीं ना कहीं केसी त्यागी जी ने भी ये साफ किया है कि एमपी के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी खुशी हुई है, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा जी ने जिस तरीके से बयानबाजी की, तो बीजेपी के अंदर भी जो मनमुटाव चल रहा है वो भी एक कारण मानते हैं। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जो प्रतिक्रिया थी, खास के बिहार के नेताओं की, शत्रुघ्न सिन्हा हो या आर के सिंह हो, ऐसे तमाम लोग जिन्होंने टिकट वितरण से लेकर बाद में भी जो बयानबाजी की है, उसका भी असर पड़ा है। उससे ये बात तो स्पष्ट हो गई कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। अब सर, अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो आने वाले समय में वेस्ट बंगाल है, पंजाब है, उसके बाद उत्तर प्रदेश भी है, उन पर भी असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। ये बिहार का चुनाव एक तरह से ट्रेंड सेटर होगा। अगर ये जीत जाती है भारतीय जनता पार्टी तो उनका मोरल हाई होता, उनके कार्यकर्ताओं का मोरल हाई होता और इसका फायदा उनको आसाम में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, दूसरे राज्यों में मिलता। लेकिन अब उनके कार्यकर्ताओं का मोरल भी नीचे है और एक तरह से ये आने वाले समय में देश की राजनीति का ट्रेंड सेटर होगा। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से रैलियां की पिछले 50 साल को उठाकर देखें तो प्रधानमंत्री ने कभी भी इस तरीके, क्योंकि संवैधानिक पद है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो चेहरा था वो भी क्लियर नहीं हुआ था, उन सब चीजों को भी एक फैक्टर मानते हैं क्या? बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी ने इसको अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया और जिस तरह से उन्होंने कम्पेन किया, एग्रेसिव कम्पेन जिसको हम कह सकते हैं, उसका भी असर हुआ। बिहार के लोगों ने ये सोचा कि आखिर प्रधानमंत्री सब काम धाम छोड़कर ये बिहार के पीछे क्यों लग गए हैं और बिहार के चुनाव को उन्होंने इतना प्रतिष्ठा का सवाल क्यों बना लिया। तो मेरा ख्याल है कि बिहार के लोगों ने इस बात को भी पसंद नहीं किया। सर, एक आखिरी सवाल, कहीं ना कहीं देखा जाए तो अमित शाह के नेतृत्व में लगातार दूसरी दिल्ली और अब बिहार की ये हार हो रही है, तो क्या लगता है कि उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े वैसे भी और पार्टी कर रही है? देखिए, ऐसे भी अमित शाह कोई बहुत बड़े राजनेता हैं ऐसी बात तो है नहीं, ये तो नरेंद्र मोदी जी की पैदावार है और जिसको कहते हैं जरूरत से ज्यादा दे देने वाली बात है। वो एक स्टेट के नेता थे, वो भी कोई नंबर एक के नेता नहीं थे, लेकिन उनको नरेंद्र मोदी ने लाके राष्ट्रीय स्तर पर बैठा दिया, जबरदस्ती जिसको हम कह सकते हैं। तो शायद अब भारतीय जनता पार्टी को होश आए कि ऐसे नेताओं को आगे लाने का क्या हशर होता है।
जी, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे तारिक अनवर साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी की जो हार हुई है और आने वाले समय में जो उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल में और जो इलेक्शन होने हैं उनमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कैमरा पर्सन नवीन के साथ दिल्ली से हरदेश यादव, न्यूज पॉइंट।